स्माइल विद ए ब्लेजिंग। थर्ड क्लास का आपका इंग्लिश का सेकंड चैप्टर है, तो चलो पहले हम इसकी स्टोरी समझ लेते हैं और उसके बाद हम लेसन को पढ़ेंगे। एक दिन एक वृद्ध महिला फलों से भरी हुई टोकरी लेकर बाजार जा रही थी। रास्ते में उसने अपना पांव एक केले के छिलकर पर रख दिया, जिसकी वजह से वह गिर गई और उसके सारे फ्रूट है जो सड़क पर बिखर गए। बाद में मीना आती है और उन सारे फ्रूट को इकट्ठा करके टोकरी में डाल देती है और वह उस महिला की खड़े होने में भी सहायता करती है। जब वो गिरती है तो आसपास के लोग उस पर हंसने लगते हैं और बाद में मीना उस छिलके को उठाकर डस्टबिन में फेंक देती है। थैंक यू, मे गॉड ब्लेस यू। वह वृद्ध महिला उसे आशीर्वाद देती है और वहाँ से चली जाती है। तो ये था बच्चों आपका लेसन। अब हमने इसकी स्टोरी समझ ली है, चलो अब हम इसे लेसन पूरा एक बार पढ़ लेते हैं। हम पहले पढ़ चुके हैं, अगर आपने वो नहीं देखा तो आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हो। तो बहुत ही प्यारा ये आपका लेसन है, चलो हम इसको पढ़ते हैं मिलकर। इमेज की सहायता से आप इस लेसन को काफ़ी समझ सकते हैं। तो देखिए पहली इमेज में एक लड़का है जो कि यहाँ पे गड्ढे में गिरा हुआ है और एक वृद्ध व्यक्ति है जो उसे अपने एक छाता की सहायता से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है, मतलब वो उनकी, तो ये वृद्ध व्यक्ति उस बालक की हेल्प कर रहा है। तो चलिए अब हम आगे इस लेसन को पूरा पढ़ लेते हैं। Now let's read this story. An old lady was going to market. एक वृद्ध महिला मार्केट जा रही थी। She was carrying a basket of fruits. वह क्या ले जा रही थी? वह फलों से भरी हुई एक टोकरी ले जा रही थी। On the way, रास्ते में she stepped on a banana peel and fell down. Fell down मतलब नीचे गिर जाना और peel का मतलब होता है छिलका। रास्ते में उसने बनाना के पील यानी केले के छिलके पे अपना पांव रख दिया और वह गिर गई। पीपल स्टार्टेड एट हर, लोग उस पर हंसने लगे। ऑल हर फ्रूट स्कैटर्ड ऑन द ग्राउंड, उसके जो सारे फल थे वो इधर उधर फैल गए। अब आप इमेज में देखो वो महिला गिर गई है और दूसरी इमेज में देखो उसके फ्रूट इधर उधर बिखर गए हैं। मीना हेल्प द लेडी टू स्टैंड, मीना ने उस वृद्ध महिला की खड़े होने में सहायता की। शी पिक्ड अप ऑल द फ्रूट्स एंड पुट देम इनटू द बास्केट, मीना ने सारे फलों को उसके बास्केट में डाल दिया। मीना थ्रू द बनाना पील इनटू ए डस्टबिन, मीना ने बनाना पील को कहाँ फेंका? डस्टबिन में फेंक दिया। ओ थैंक यू सो मच, मे गॉड ब्लेस यू। तो वृद्ध महिला क्या कहती है कि थैंक यू वेरी मच, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे। तो ये था बच्चों आपका प्यारा सा लेसन, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो चलो अब हम इसके आगे एक्टिविटी करते हैं। ग्लोसरी में आप देखो शब्द दिए हुए हैं कैरिंग, कैरिंग मतलब किसी वस्तु को ले जाना। स्टेप्ड मतलब होता है कदम रखना। पील मतलब छिलका और स्केटर्ड बिखर जाना। पिक्ड अप मतलब उठाना और डस्टबिन का मतलब क्या होता है? कचरा पात्र। और ब्लेजिंग का मतलब आशीर्वाद। तो चलो अब हम इसकी एक्टिविटी करते हैं। एक्टिविटी फर्स्ट देखिए, जिसमें क्या है आपको एक क्वेश्चन के चार ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको सही क्वेश्चन को टिक करना है। तो फर्स्ट है आपका एन ओल्ड लेडी वॉज गोइंग टू, जो ओल्ड लेडी है वो कहाँ जा रही थी? हॉस्पिटल में, स्कूल में, टेंपल या मार्केट? जी हाँ, वो कहाँ जा रही थी? मार्केट में। तो आप यहाँ कॉलम में क्या लिखोगे? डी। नेक्स्ट हमारा है द ओल्ड लेडी स्टेप्ड ऑन द पील ऑफ, ओल्ड लेडी ने किसके छिलके पर अपना कदम रखा था? जी हाँ, किसके? बनाना, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका द ओल्ड लेडी सेड टू मीना, ओल्ड लेडी ने मीना को क्या कहा?
जी ऑप्शन नंबर सी, क्या कहा? थैंक यू। चलिए हम आगे एक्टिविटी देखते हैं। एक्टिविटी सेकंड है जिसमें इसके कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं जिनके आंसर आपको देने हैं। फर्स्ट है, व्हाट वाज द ओल्ड वीमेन कैरिंग, जो वृद्ध महिला है वो क्या ले जा रही थी? ए बास्केट ऑफ फ्रूट्स। नेक्स्ट आपका, हु हेल्प्ड द ओल्ड लेडी टू स्टैंड, वृद्ध महिला की खड़े होने में किसने सहायता की थी? मीना ने। नेक्स्ट हमारा, वेयर डिड मीना थ्रू द बनाना पील, मीना ने बनाना पील को कहाँ फेंका? इंटू ए डस्टबिन। लास्ट हमारा, व्हाट डिड द ओल्ड लेडी गिव टू मीना, ओल्ड लेडी ने मीना को क्या दिया? तो आप लिखोगे द ओल्ड लेडी गेव ब्लेसिंग टू मीना। नेक्स्ट आपको इसका पार्ट सी करना है जिसमें एक इमेज में एक टोकरी दिखाई गई है जिसमें कुछ फ्रूट रखे हुए हैं और नीचे उन फ्रूट के नाम दिए हुए हैं, तो आपको मैच करने हैं। तो आप मैच कीजिए जी, आप मैच कीजिएगा। देखिए एप्पल कौन सा है, तो आप एप्पल इसे मैच कर दोगे। यहाँ पे आपको यहीं पे लिखना है, पेंसिल से लिखना, ध्यान रखना। और बनाना, तो बनाना की लाइन यहाँ है, तो आप बनाना की क्या लिखोगे? तो ये स्पेलिंग आप बनाने की यहाँ लिखोगे। वाटरमेलन यहाँ पे आ जाएगा, ग्रेप्स यहाँ पे, ऑरेंज यहाँ पे, और पपाया यहाँ पे, आप इसकी स्पेलिंग लिख दोगे। नेक्स्ट आपको कुछ फ्रूट दिए हुए हैं जिसमें आपको क्या लिखना है? आपको पी उस फ्रूट के लिखना है जिसको आप पीलिंग मतलब छीलने के बाद खाते हो, और एस लिखना है जिसको आप बिना छीले खा लेते हो। तो ये आप सारे फ्रूट है जो खाते हो, तो ये आप खुद करोगे। इजी इजी है। जिससे फ्रूट का आप पील छिलका उतार कर खाते हो उसके लिए आपको पी लिखना है, और दूसरे के लिए एस, तो आप ये कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका, गिव द अपोजिट्स ऑफ द वर्ड्स लिस्टेड बिलो, आपको अपोजिट लिखने हैं जहाँ पे ऊपर दिए हुए हैं। ओल्ड, ओल्ड का क्या होता है? यंग। स्टार्ट का स्टॉप, दो नंबर का स्टॉप, और गिव का टैग। चलो हम नेक्स्ट चलते हैं। इन, इन का आउट, स्टैंड का आप लिखोगे सिट। आपको इसी में जो दिए हुए हैं उन्हीं में से लिखने हैं, इस बॉक्स में जो भी शब्द दिए हुए हैं आपको वो ही लिखने हैं। तो स्टैंड का आप लिखोगे सिट, लाफ का वीप, टोल का, टोल का क्या लिखोगे आप? शॉर्ट। और फुल का एम्प्टी। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है नेम द एक्टिविटी, जो भी एक्टिविटी बच्चे कर रहे हैं आपको उनका नाम लिखना है। देखिए यहाँ पे जगह दी हुई है, प्रत्येक एक्टिविटी के साथ जगह दी हुई है। तो आपको ईटिंग, प्लेइंग, लाफिंग, कैरिंग, स्किपिंग, डिगिंग, हाइडिंग एंड वाटरिंग, ये सारे आपको लिखने हैं। वाटरिंग होता है पौधों को पानी देना, कैरिंग होता है ले जाना, लाफिंग हंसना, स्किपिंग होता है बचना या छोड़ना, डिगिंग होता है खोदना, और हाइडिंग छुपना, और वाटरिंग पानी देना। तो ये सारी एक्टिविटी आप ऊपर दे के कर सकते हो। तो ये था बच्चों आपका लेसन, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट कर देना। वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब करना।